सब्सक्राइब करें टेक एवी और प्रेस करें बेल के बटन मेरे किसी भी नई वीडियो की सबसे पहले जानकारी। हेलो दोस्तों, रिलायंस जियो ने किया है एक नया धमाका। दोस्तों इसी बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएं। दोस्तों जैसे हम आपको बता दें और आप जानते ही हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है टेलीकॉम सेक्टर में एक दमदार धमाकेदार एंट्री कर चुका है और एक सक्सेसफुल एंट्री उसकी हो चुकी है। दोस्तों जैसे हम आपको दोस्तों आप देख रहे हैं टेक एवी और इस चैनल पे बने रहे हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन जरूर प्रेस करें मेरी बहुत सारी वीडियो की सबसे पहले जानकारी पाने के लिए। दोस्तों रिलायंस जियो टेलीकॉम इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री के बाद अब उतरने वाला है टेलीविजन के कारोबार में और ये कंफर्मेशन जो हमें आई है इकोनॉमिक टाइम्स के खबर के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों सबसे बड़ी केबल नेटवर्क कंपनी डेन का अधिग्रहण करने वाली है और ये जो डील फाइनल होने वाली है उसका कम से कम 2500 करोड़ रुपए में एक डील फाइनल होने वाली है। दोस्तों अभी तक ये डील हुई नहीं है और खबर के मुताबिक ये डील के लिए रिलायंस इंडस्ट्री ने अभी तक ना भी नहीं किया है और हाँ भी नहीं किया है, तो अभी इसका कन्फर्मेशन आना बाकी है। लेकिन सोचिए अगर ये डील हो जाती है तो आगे बाजार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और भी ब्रांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों तो आइए हम आपको बताते हैं इस बारे में कि रिलायंस इंडस्ट्री अगर डेन नेटवर्क का अधिग्रहण कर लेती है, देश भर में जो सबसे बड़ी केबल की नेटवर्क है, जो टेलीविजन का कारोबार है, उसके पकड़ में आ जाएगी और कंपनी अपने जियो फोन के जरिए जो पहले ही टेलीविजन और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए फेमस हो चुकी है और अधिग्रहण कर चुकी है, उसी हिसाब से इन्होंने भी डिजिटल सेवा की घोषणा ऑलरेडी कर दी है। कंपनी होम ब्रॉडबैंड और केबल टेलीविजन की सेवा शुरू करने के लिए पहले से ही काम पे लग गई है। दोस्तों तो इस तरीके का ये जो प्लान एग्जीक्यूशन चल रहा है रिलायंस जियो का, पूरा मार्केट कैप्चर करने का, टेलीविजन मार्केट हो गया, टेलीकॉम मार्केट हो गया और कितने मार्केट इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स कैप्चर करेगी, इसके बारे में क्या प्लानिंग है उनकी, जैसे ही कोई खबर आती है तो दोस्तों हम अपनी वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। तो बता दें कि डेन नेटवर्क का अधिग्रहण करने के बाद रिलायंस इंडस्ट्री के पास जो 1.3 करोड़ का कस्टमर मार्केट है सीधा सीधा उसमें एंट्री कर जाएगी और हम आपको बता दें कि 1 करोड़ का जो इनके पास डिजिटल कंज्यूमर कलेक्शन है सीधा सीधा ये एंट्री कर पाएंगे। दोस्तों तो बहुत ही बड़ा मार्केट और बहुत ही बड़ा इंडस्ट्री ये कैप्चर करने वाले हैं और ऐसे ही बहुत सारी न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को देखते रहिए और बेल के बटन जरूर प्रेस कीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू फॉर